आज मैं आपके लिए गैस्ट्रिक अल्सर, जिसे पेप्टिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी लाई हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्यों होता है। ये गलत खान पान या किसी बीमारी के कारण ये रोग अल्सर के रूप में बदल जाता है, यानी ज़्यादा दिन तक जब गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाती है, एसिडिटी बनी रहती है, तो ये भी ये पेप्टिक अल्सर या फिर एसिटिक अल्सर का कारण होता है। इसी कारण जब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, एसिडिटी की समस्या हो, तो इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये बीमारी आगे चलकर गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है। इसके लिए बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से देखिए, इसे बनाइए। आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये बीमारी होती है तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे खाली पेट, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, भूख न लगना, मल के साथ खून का आना, बदहजमी जैसा फील होना, सीने में जलन होना, पेट में बार बार दर्द होना, पेट में जलन रहना, ये सारे लक्षण होते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि पेट में कोई ऐसी बीमारी है, जिसकी वजह से सारे सिम्टम आपको अपने आप पता चलेंगे। चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका तुरंत ही अपडेट मिल जाए। इस रेमेडी के लिए आपको लेना है 1 कप ठंडा दूध, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। दूध गैस्ट्रिक एसिड बनाता है, लेकिन आधा कप ठंडे दूध में आधा नींबू निचोड़कर पिया जाए तो पेट को आराम देता है, जलन का असर भी कम कर देता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट से रेमेडी बनेगी। आप इसे 2 टाइम पीजिएगा, सुबह खाली पेट और फिर शाम को जब पेट खाली रहता है 6-7 बजे के करीब आप इसे पी सकते हैं। 2 बार आप पीजिए, फिर देखिए आपके पेट का जो अल्सर है वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने लगेगा। ये पेट के अल्सर में मलहम का काम करेगा और पेट को ठंडा रखेगा। बहुत बेस्ट से रेमेडी है, आप इसे ट्राई करिए। आप इसे सर्च करके भी देख सकते हैं गूगल पे, ये रेमेडी बताई गई है, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी आपको बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दूध में जब ये नींबू पड़ जाता है तो ये बटर मिल्क बन जाता है, लेकिन बटर मिल्क बनने से पहले ही आपको इसको पीना है। जैसे आप दूध में नींबू डालेंगे तुरंत आपको इसको पी जाना है। तो ये दूध में जब नींबू डालते हैं तो फटता नहीं है तुरंत। सब लोग पूछते हैं दूध फट जाएगा, लेकिन आप इसको रख के देखिए, दूध फटता नहीं है तुरंत। ठंडे दूध में जब नींबू डाला जाता है तो दूध तुरंत नहीं फटता है। आप फटने से पहले ही जैसे ही नींबू निचोड़ कर डालेंगे, आधा नींबू आपको यूज़ करना है, बस आधा नींबू आप इसमें डालिए और फिर तुरंत ही आप इसे पी जाइए। तो इस तरह से 2 बार आप इसे पीजिए, दिन में 2 बार पियेंगे, 3 दिन में ही आप देखेंगे आपके पेट में जो दर्द होता है वो आपका बहुत आराम हो जाएगा उससे, और ये धीरे धीरे आपको ठीक हो जाएगा। इस रेमेडी को आप 3 दिन करिए, फिर आपको इसको अगर असर दिखता है तो आप इसे 3 दिन और बढ़ाइए, यानी 6 दिन आप इसे करिए, आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बहुत इफेक्टिव से रेमेडी है। तो ये देखिए, हमने नींबू को निचोड़ दिया है, तो इसके सीड को निकाल के फिर इसके रस को सिर्फ डालिएगा। तो देखिए, इसको आधा चम्मच के करीब ये नींबू का रस इसमें निकलेगा, आप इसको डालिए और तुरंत इसे पी जाइए। ये देखिए, बहुत इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है। इसको पीने के बाद जो पेट में ये अल्सर की वजह से दर्द होता है, ये आपके दर्द को ये खींच लेगा, ये मलहम का काम करेगा, तो आप इसे पी सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसी कई सारी रेमेडीज़ हम आपके लिए लाने वाले हैं जो आपके पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर को जड़ से दूर कर देगा, और इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये भी चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस बीमारी में आपको किस चीज़ से ज़्यादा परहेज करना है और क्या खाना खाना है, आपके लिए हेल्दी फूड क्या है। ऐसी रेसिपीज़ भी हम आपके लिए अपलोड करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और कौन सी रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें आपको मिर्च मसाले बिल्कुल आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मिर्च मसाले जो हैं वो पेट में जाके गैस बनाते हैं, जिससे गैस्ट्रिक अल्सर और भी बढ़ जाता है। और चाय कॉफ़ी ये भी आप बहुत ही कम पीजिए, ग्रीन टी का आप सेवन करिए, आपको बहुत इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इस रेमेडी के साथ मैं आपको एक बहुत स्पेशल सी टिप्स देने जा रही हूँ। उस टिप्स में आपको लेना है शहद। शहद आपकी इस बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको सुबह और शाम दोनों टाइम पे 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच शहद डाल के पीना स्टार्ट करिए। आज से ही आप स्टार्ट करिए, आपको इस बीमारी में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। बहुत इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है, तो आप इसे ट्राई करना स्टार्ट करिए। साथ साथ चैनल पे हमने कई सारे हेल्पफुल और बहुत सारे बेनिफिशियल रेसिपीज़ भी अपलोड किए हैं, जैसे बिना तेल मसाले के हम किस तरह से रेसिपीज खा सकते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो। तो ऐसे रेसिपीज हैं, कई सारी स्मूदी हैं, हमने छाछ बनाना बताया है, ढोकला की एक रेसिपी दी है जो बिना तेल मसाले की बनी हुई है, और कई सारे ब्रेकफास्ट हैं, आप उसे
देखिए, ट्राई करिए, उसे अपने खाने में शामिल करिए। आप इसको खाएंगे तो बहुत जल्दी आप हेल्दी हो जाएंगे और फिट हो जाएंगे। और आपके लिए हम कई सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, सो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाया करे। सारे रेमेडीज़ और रेसिपीज़ का एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देख सकते हैं, आपको उसमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने लाइक्स देके हमारी मोटिवेशन को बढ़ाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।